नमस्कार। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की चूरी के पराठे। ये यूपी और राजस्थान की ट्रेडिशनल डिश है। पहले दालें घर में बनाई जाती थीं। बाजार से साबुत मूंग मंगवा लेते थे, दतले से दलते थे और फिर दाल को छलनी से छाना जाता था। तो छानने में जो नीचे छोटी छोटी दाल निकल जाती थी उसे दाल की चूरी कहते थे। इसे भिगोकर, आटे में गूंथ कर, मसाले मिलाकर बहुत ही टेस्टी पराठे बनाए जाते थे। तो आज मैं उसी मूंग की दाल की चूरी के पराठे बनाऊंगी। शुरू कर लेते हैं। हमने लिए हैं आधा कप हरे मूंग। साबुत मूंग है और इन्हीं को दल के दाल बनाई जाती है। अगर आपके पास मूंग नहीं है तो छिलके वाली मूंग की दाल ले लीजिए। मूंग को जार में डाल देते हैं और इन्हें एकदम दरदरा पीस लेंगे। मिक्सी को थोड़ी देर चलाएंगे, चेक करेंगे, अभी तो साबुत दाल दिखाई दे रही है। और फिर से इसे थोड़ी देर चलाएंगे और ये देखिए, ये बन गई मूंग की चूरी। देख रहे हैं ना कितनी दरदरी है। बस हमें इसे इतना ही पीसना है और इसे डाल देते हैं हम एक प्याले में। इसे वॉश कर लेते हैं और ये पानी हटा देंगे, एक बार और वॉश कर लेंगे। ये मैंने गर्म पानी कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हम अपनी उंगली से इसे छू सकते हैं, इतना गर्म है। गर्म पानी डाला है, फटाफट भीग जाती है ये। और अगर आपको थोड़ा सा टाइम है तो आप सादा पानी में ही डुबा कर रख दीजिए, 2 घंटे में अच्छे तरीके से फूल जाएगी। और दाल को पूरा पानी के अंदर कर दिया, इसे ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे, ये अच्छे तरीके से फूल जाएगी। फिर आगे का प्रोसेस। 1 घंटा हो गया और ये चूरी को चेक करते हैं। देखिए ये अच्छे से फूल गई है, पूरा पानी एब्जॉर्ब हो गया है, बहुत ही कम पानी दिख रहा है इसमें। और इसे इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं, जैसे ये दाल के दाने हैं ना, इनको आप नाखून से तोड़कर देखिए, बिल्कुल टूट रहे हैं ये दाने। अगर दाल कर्री होगी, ये भीगी नहीं होगी, तो पराठों में मज़ा नहीं आएगा फिर, और उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए। इस चूरी को अच्छे तरीके से भीगना ज़रूरी है। अब बनाते हैं पराठे के लिए डो। तो सबसे पहले प्याले में दाल की चूरी डालते हैं और ये देखिए, आधा कप मूंग लिए थे और ये चूरी 1 कप से भी ज़्यादा हो गई है फूलकर। इसमें डालते हैं 2 कप आटा और अब मिलाएंगे इसमें मसाले। 1 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक या अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ी पिंच हींग। दाल की चूरी के पराठे बन रहे हैं, हींग डालना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। मसाले हो गए और मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। पराठों को खस्ता बनाने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 2 छोटी चम्मच ऑयल ले लेते हैं। पहले तो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, क्योंकि दाल की चूरी में काफ़ी पानी है, ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें और पानी डालेंगे। ये मिक्सिंग हो गई, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और सॉफ्ट आटा, जिस तरीके से हम पराठों के लिए नॉर्मल डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का डो बनाना है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया और डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और पराठों में कलर भी आता है। थोड़ा हाथ पर ऑयल ले लेते हैं और इसे थोड़ा सा स्मूथ बनाते हैं। ये डो तैयार हो गया और हमने 1/2 कप पानी का यूज किया है इसे लगाने में। अब इसे रेस्ट कराने के लिए 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और जब तक ये रेस्ट करता है तब तक बना लेते हैं भुने टमाटर की चटनी। तो टमाटर भून लेते हैं, गैस ऑन कर ली और ये जाली स्टैंड्स के ऊपर रख दिया। और ये 2 टमाटर लिए हैं, इन्हें हम इस तरीके से रख देंगे और जैसे ही ये नीचे की ओर से काला होगा, भुन जाएगा, हम इसे घुमाते रहेंगे। और देखिए जैसे ये काला होता जाएगा ना, इसे हम घुमाते जाएंगे। ये देखें कितना बढ़िया भुन गया, बस ऐसा काला चाहिए हमें सारा टमाटर। चम्मच से भी इस तरीके से हम घुमा सकते हैं। टमाटर भुन चुके हैं, इन्हें निकाल के रखते हैं प्याली में और ठंडा होने देते हैं। और टमाटर ठंडे हो गए, इन्हें छील लेते हैं। तो बस ये जो काला काला छिलका दिख रहा है, इसे हटा देंगे, बहुत ही आराम से निकल जाता है ये।
टमाटर को भूनने से इनके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है। और अब इन टमाटर के पीसेस बना लेते हैं और बस थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े कर लेते हैं। तो ये टमाटर जार में डाल देते हैं और ये चार हरी मिर्च दो टुकड़े करते हुए डाल देते हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने चार टुकड़ों में काट लिया है, और ये तीन चार टेबल स्पून हरा धनिया जिसको मोटा मोटा काट लिया है, डंडी भी साथ में काटी है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा छोटी चम्मच सादा नमक, आधा छोटी चम्मच काला नमक, अगर आप काला नमक नहीं डाल रहे तो सादा नमक एक छोटी चम्मच ले लीजिए, और आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा। इससे चटनी का फ्लेवर एकदम बढ़िया हो जाता है। और अब इसे बारीक पीस लेंगे और ये चटनी पीस कर तैयार कर लिए। इसे निकालते हैं प्याली में। चटनी को पीसने में हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है, टमाटर में बहुत ज़्यादा जूस होता है। ये चटनी बनकर तैयार हो गई, आधा घंटा हो गया और आटे ने भी अच्छा रेस्ट कर लिया। अब थोड़ा सा ऑयल हाथ पर डालते हैं और इसे स्मूथ बना लेते हैं, थोड़ा सा और मल लेते हैं। अब पराठे बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा हाथ पर लगाएंगे और इसमें से थोड़ा सा डो निकाल लेंगे। जितना बड़ा आप पराठा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से डो निकाल लेंगे। मीडियम साइज के पराठे बना रही हूँ। इसको गोल कर लेंगे और इस तरीके से दबाकर पेड़ा बना लेंगे। सूखे आटे में लपेटेंगे और इसे थोड़ा सा बेलते हैं 5-6 मिनट की चौड़ाई में। अगर ये चिपक रहा हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल लीजिए या इसे सूखे आटे में लपेट लीजिए, और बड़े आराम से ये बेले जाते हैं, बेलने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए, ये मैंने बड़ा सा बेल लिया इसे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी। मैं तिकोने पराठे बना रही हूँ, अगर आप गोल बनाना चाहते हैं तो गोल भी बना सकते हैं। इसको मैं हाफ़ फोल्ड करूँगी और थोड़ा सा ऑयल इधर लगाऊँगी और इसके बाद फिर से हाफ़ फोल्ड कर लूँगी। तो ये हमारी तिकोनी लोई बनकर तैयार हो गई। इसको सूखे आटे में लपेटेंगे और पतला पराठा बेलेंगे, हल्के हाथ से बेलेंगे। एक जैसा पराठा बेलना चाहिए, तीनों ओर बेलना है ताकि पूरा तिकोना रहे। ये अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा आटा लगा लीजिए, और बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिए इसे, क्योंकि ये दाल की चूरी का पराठा है, इसके अंदर दाल है। पतला बेल देंगे ना तो वो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। हल्का सा मोटा रखना है ताकि पराठे में गुदगुदापन रहे। ये देखिए, ये मैंने बेल दिया, मोटाई आपको मैं दिखा देती हूँ। तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और चारों ओर फैला देते हैं। तवा मीडियम गर्म है और फ्लेम भी मीडियम है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा धीमे सिक रहा है पराठा, फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दीजिए, और लगे तेज़ हो रही है थोड़ा सा धीमा कर दीजिए। और जब तक ये पराठा तवे पर सिकता है, दूसरा पराठा बिल्कुल इसी तरीके से बेलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये ऊपर से थोड़ा सा डार्क लगने लगा, नीचे की ओर से सिक गया है, इसे पलट देते हैं और दूसरी ओर भी हल्की ब्राउन चिट्टी आने तक सिकने देंगे। ये दूसरी ओर से भी हल्का सा सिक गया है। पहली ओर पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और चारों ओर इस तरीके से फैला देंगे, पलट देंगे इसे। इस ओर भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और चारों ओर फैला देंगे। और अब इस पराठे को मीडियम और मीडियम हाई फ्लेम पर इस तरीके से स्पैतुला से दबा दबा कर दोनों ओर अच्छी ब्राउन चिट्टी आने तक सेकना है। और ये पराठे कोई कोई फूल जाता है, कोई कोई नहीं भी फूलता, क्योंकि दाल की चूरी के पराठे कम फूलते हैं। देखिए, दूसरी ओर भी अच्छी ब्राउन चिट्टी आ गई। अब इसे उतार कर रखते हैं प्लेट पर रखी हुई प्याली के ऊपर, और सारे पराठे इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेंगे। ये पराठे मैं ऑयल से बना रही हूँ, इनको आप घी से भी बना सकते हैं और सरसों के तेल से भी बना सकते हैं। बहुत अच्छे बनते हैं सरसों के तेल के पराठे भी। और देखिए, पराठा बढ़िया सा फूल गया, और ये लीजिए, पराठे सिककर तैयार हो गए। एक पराठे को सेकने में 4 से 5 मिनट लग रहे हैं। ये दो पराठे का डो बच गया है, इसे हम रख देते हैं, बाद में सेक लेंगे। मूंग की दाल के चूरी के पराठे सर्व करने के लिए तैयार हैं, और देखिए कितने खस्ता और टेस्टी बने हैं। इसके साथ में बनाई है हमने भुने टमाटर की चटनी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इनके साथ।
वैसे आप इनके साथ में दही परोस सकते हैं या अपने मनपसंद कोई भी सब्जी परोस सकते हैं। ये पराठे सभी को पसंद आते हैं, इन्हें बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप दाल की चूरी को भिगोएं तो श्योर कर लें वो अच्छी तरीके से भीगी हुई होनी चाहिए। डो बिल्कुल वैसा ही लगाना है जैसे कि नॉर्मल पराठे के लिए सॉफ्ट डो बनाते हैं। बेलते समय थोड़ा सा हल्के हाथ से बेलें, पराठे फटने नहीं चाहिए। और सेकते समय ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तेज़ गैस नहीं होनी चाहिए, इसे मीडियम और मीडियम हाई फ्लेम पर सेकें। तो आप ये पराठे ज़रूर बनाकर खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।